टॉप लिस्ट के लोकप्रिय शो ये जादू है जिनका में आने वाला है बहुत ही रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी हाँ, जहाँ शो के लेटेस्ट ट्रैक के अनुसार अमन और रोशनी के बीच प्यार होना तो तय है, हालांकि अब जैसे ही रोशनी की फैमिली बैकग्राउंड अमन के सामने आती है तो अमन उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ने की बात करता है। जहां अमन और रोशनी के बीच चीजें अच्छी नहीं हो रही है, जहां अमन ने जबरदस्ती रोशनी से शादी की और उसके बाद उसे लगातार चोट पहुंचा रहा है। हालांकि जल्द ही अमन और रोशनी के बीच यह गलतफहमी दूर हो जाती है। जी हां, जहां इस बीच अमन रोशनी को थैंक्स भी कहेगा और वहीं उसकी देखभाल भी करेगा। जहां अमन अपनी संगीता की ड्रेस को नीले रंग में बदलकर रोशनी को एक खूबसूरत इशारा देता है। जहां अमन ने रोशनी को सलमा के बुलावे पर फूट फूट कर रोते हुए भी देखा जाएगा। जहां वह चाहती है कि अगर उसकी संगीता की पोशाक नीले रंग की बजाय नीली हो, जहां रोशनी को पसंदीदा रंग की ड्रेस मिलने के अलावा अमन ने यह भी महसूस कराएगा कि वह उससे प्यार करने लगा है। जहां संगीत समारोह में अमन एक ऐसे व्यक्ति की पिटाई करेगा जो रोशनी के बारे में बुरा बोलेगा। जी हां, जहां रोशनी को अमन के अनदेखे लव साइट को देखकर रोशनी इमोशनल हो जाएगी, तो वहीं अब यह देखते हैं कि यह जोड़ी कितनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगी। अब अमन ने आखिरकार रोशनी को वैवाहिक रिश्ते में बांध ही दिया है। जहां अब अमन और रोशनी की जादुई निकाह के बाद रोशनी अपनी जादुई शक्तियों के साथ अमन की मां परवीन को बचा लेती है, लेकिन वहीं अब दूसरी ओर रोशनी हॉस्पिटल के बिल को भी भरती है और वहीं उसकी बीमारी के नाटक से अनजान उसकी मां सलमा को बचाती है। जहां आगे एक बड़ा मोड़ आने वाला है जब रोशनी अमन के साथ किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से इनकार कर देगी। लेकिन वहीं अब इस बीच जुनैद पैलेस में एक बड़ी पार्टी की घोषणा करता है, जहां इस फंक्शन में अमन और रोशनी का मैरिज रिसेप्शन होगा और वहीं सोशल मीडिया पर कुछ प्रशंसक अमन और रोशनी के संगीत समारोह की भी उम्मीद कर रहे हैं। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शो में आगे क्या होता है। आगे आने वाले एपिसोड्स के और अधिक रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।